वेलकम टू न्यू लेसन। तो कल के लेसन में हमने कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड की थी वूकॉमर्स के अंदर, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। तो अगर आप जाके वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज देखोगे तो आपको कुछ कैटेगरीज नजर आ जाएंगी जो हमने ऐड की थी। हमने मेजर तीन कैटेगरीज ऐड की थी, एक मैन वाली, एक वुमेन वाली, एक होम एंड लिविंग के अंदर, राइट। ये सारी हमारी कैटेगरीज हैं। अब कैटेगरीज ऐड करने के बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, कि अगला स्टेप यह है कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेन कैटेगरी बनी हुई है, राइट। एक मेन ग्रुप बना हुआ है, जैसे एक मेन का, एक वुमेन का, एक किड्स का है, राइट। तो हमें अब क्या करना है, हमें एक अपनी वेबसाइट के अंदर नेविगेशनल पर्पस के लिए, ताकि यूजर्स इजिली वेबसाइट को नेविगेट कर सकें, हमें एक अब मेन कैटेगरीज देनी, राइट। तो जैसे हमने बनाया ना शर्ट्स, कुर्ताज, जीन्स, जैकेट्स, इसको हम किस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, मेन के अंदर। तो अब हम एक मेन कैटेगरी या प्राइमरी कैटेगरी बनाएंगे, मेन वाली, वेमेन वाली, किड्स का हमने कुछ किया नहीं था, देन एक हम बनाएंगे होम एंड लिविंग वाली, राइट। तो हमें अब ये मेजर कैटेगरीज बनानी है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जो हमारी मेजर कैटेगरी है उसको हम क्लिकेबल बना सकते हैं जैसा कि यहाँ है, या हम उसको नॉन क्लिकेबल बना सकते हैं, राइट। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम दोनों करके देख लेंगे कि हम दोनों काम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो पहला काम क्या है, ये मेजर प्राइमरी कैटेगरीज बनाना। तो ये प्राइमरी कैटेगरीज बनाने के लिए पहले मुझे बनाने होंगे पेजेस। तो मैं जाऊंगा पेजेस पे और मैं करूंगा ऐड न्यू, ठीक है जी। पेजेस पे गए और जाके सिंपल किया ऐड न्यू, और यहां पे मैंने लिख दिया मेन और इसको कर दिया मैंने पब्लिश, ठीक है, सिंपल। और देन मैंने किया अगेन ऐड न्यू, और इसको मैं कर देता हूं विमेन, और इसको भी कर देता हूं पब्लिश, और मैं करता हूं ऐड न्यू, फिर से एक नया करते हैं, और वो कौन सा करेंगे, वो करेंगे होम एंड लिविंग, ठीक है, होम एंड लिविंग। तो मैं करता हूं होम एंड लिविंग, और इसको भी कर देते हैं पब्लिश, ठीक है जी। तो हमने तीन पेजेस बना लिए। अब अगला काम क्या है, हमें बनाना है नेविगेशन मेन्यू। तो अब हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर और हम गए मेन्यूज के अंदर, ठीक है, अपीयरेंस के अंदर और देन हम गए मेन्यूज के अंदर, मेन्यूज के अंदर आ गए। अब हम पहला मेन्यू क्रिएट करेंगे, इसका हम नाम दे देते हैं हेडर मेन्यू, और इसको कर देते हैं हम क्रिएट, सिंपल। हेडर मेन्यू हमने नाम दिया और इसको हमने कर दिया क्रिएट, और जो भी हमने पेजेस बनाए थे होम एंड लिविंग, वेमेन, मेन, ये तीनों पेजेस उठा के मैंने कर दिया ऐड टू मेन्यू, बहुत ही सिंपल। और इसको थोड़ा शफल कर देते हैं, मेन, वेमेन और होम एंड लिविंग, और इसको कर देते हैं मेन, और इसको कर देते हैं सेव मेन्यू, और अपनी वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे आके रिफ्रेश करिए। अब देखिए आ गया मेन, वेमेन, होम एंड लिविंग, और ये कार्ट वाला बटन आ गया। अगर हम ऐड टू कार्ट, क्योंकि हमने अब वूकॉमर्स इंस्टॉल कर लिया है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी है, तो ये कार्ट वाला ऑप्शन हमारी वेबसाइट के अंदर आ गया, राइट। अब अगला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नहीं, अगला काम क्या है हमारा, कि जो हमने कैटेगरीज बनाई थी, राइट, याद है आपको, अगर मैं यहाँ पे जाऊं वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स के अंदर और यहाँ मैं कैटेगरीज को अगर ओपन करूं, तो हमने अलग अलग टाइप की कैटेगरीज बनाई थी, राइट। तो जैसे हमने बनाया था जैकेट्स, जीन्स, कुर्ताज, शर्ट्स। तो अभी हम, अब हमें इन कैटेगरीज को इन मेन्यूज के अंदर डालना है, इनका सब मेन्यू बनाना है बेसिकली, राइट। तो वो कैसे बनाओगे, तो वो बनाना बहुत सिंपल है। वापस आप कहाँ आओ, वापस आप आओ वर्डप्रेस के अंदर, और यहाँ पे देखो कैटेगरीज नजर आ रहा है, बट ये वूकॉमर्स की कैटेगरी नहीं है, ये नॉर्मल ब्लॉग वाली कैटेगरी है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ऊपर नेविगेट करो और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन ऑप्शन, स्क्रीन ऑप्शन, तो स्क्रीन ऑप्शन को क्लिक करो और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरीज, आ रहा है ना प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो इसको कर लो अनेबल, और टैग को अनेबल कर लो, और प्रोडक्ट टैग को भी अनेबल कर लो, है ना, इन तीनों को अनेबल कर दो। और अब देखो यहाँ पे आ गया होगा प्रोडक्ट कैटेगरीज, अब आओ प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर,
अब आ जाओ व्यू ऑल के अंदर। अब यहां से पहले मेन वाला कर देते हैं, शर्ट्स और जीन्स, जैकेट्स और फॉर्मल ट्राउजर्स, और ये चारों कर दो आप ऐड टू मेन्यू। अब ये जो फॉर्मल ट्राउजर्स थे ये उठा के कर दो इधर मेन के अंदर सब कैटेगरी, और जीन्स भी उसी के अंदर, नहीं जीन्स भी मेन के अंदर, और जैकेट्स भी मेन के अंदर, तो थोड़ा सा आगे कर दो, और शर्ट्स भी सबसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बन गई। अब अगला आपको क्या करना है, अगला आप ये कर दो, और कुर्ताज एंड सूट्स, तो इसको ऐड टू मेन्यू करो, और इसको उठा के कर दो विमेन के अंदर, और आपका बचा बेडशीट और ये दोनों, और ये उठाया और इसको थोड़ा आगे इधर कर दिया, और एथनिक ड्रेसेस है इसको भी ऐड टू मेन्यू करो, और इसको उठा के भी आपने कर दिया विमेन के अंदर, बन गया जी परफेक्ट। अब इसको कर दो यहाँ पे सेव मेन्यू, और अब आओ वेबसाइट पे और आके रिफ्रेश करो। आ गया देखो मेन, ये अंदर कैटेगरीज आ रही है, विमेन ये अंदर कैटेगरीज आ रही है, वुमेन लिविंग ये अंदर कैटेगरीज आ रही है, राइट परफेक्ट है। अब ये हमारी सारी अंदर कैटेगरीज बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, बट नए प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले दो तीन सेटिंग्स हैं जो आपको पहले करना पड़ेगा WooCommerce के अंदर। वो सेटिंग्स क्या क्या हैं, तो देखो आप WooCommerce के अंदर जाओगे तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है ना, तो इस सेटिंग्स को क्लिक करो, और जैसे आप इस सेटिंग के अंदर आओगे तो सबसे पहले तो देखो आपको एड्रेस वगैरह दिख रहा है, राइट, तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो मेन जो एड्रेसेस डले हुए क्या ये सही है कि नहीं। अगर आप इन एड्रेसेस को चेंज करना चाहते हो, ये एड्रेसेस हमने तब डाले थे जब हम सेटअप कर रहे थे, तो अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो आप इसे चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। तो क्या लोकेशन, अब देखो यहाँ पे एक सेलिंग लोकेशन है, सेलिंग लोकेशन इज आप किस किस कंट्री में बेच रहे हो, ठीक है, आप किस किस कंट्री के अंदर बेच रहे हो। तो अभी हमारा देखो सेल टू ऑल कंट्रीज है, आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो कि भैया हम बस इस कंट्री में बेचेंगे, इसके अलावा और किसी कंट्री में नहीं बेचेंगे। तो अगर आप वो डाल दोगे कि भैया हम इस कंट्री में ही बेचेंगे, तो वो बाकी कंट्रीज के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेगा तो वो खरीद नहीं पाएगा। शिपिंग लोकेशन, आप कहाँ कहाँ शिप करते हो है ना, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आ रहा है कस्टमर लोकेशन, जियो लोकेट मतलब उसका फेच कर लेगा ये डेटा कि वो कहाँ से कस्टमर ने रन किया है अपना WooCommerce या आपके वेबसाइट पे कहाँ से लॉग इन हुआ है, तो वहां से वो जियो लोकेट कर लेगा उसको। करेंसी आपकी डली हुई है इंडियन रुपी जो भी है आप यहाँ से देख सकते हो, और अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज करके सेव चेंजेस कर सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया। देन अगला ऑप्शन है टैक्स का है ना, अगर आप टैक्स चार्ज कर रहे हो राइट, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो अगर आप उस पर टैक्स चार्ज कर रहे हो, एक बार वापस हम जनरल पे आते हैं, देखो यहाँ पे अनेबल टैक्स का ऑप्शन है ना, तो मेक श्योर कि आपने ये टैक्स अनेबल किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप कूपन यूज करोगे तो यहाँ से कूपन भी आपको अनेबल कर देना है, ठीक है। और अब हम वापस आते हैं टैक्स के अंदर, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप जो प्राइस है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रखोगे या प्राइस टैक्स के बिना रखोगे, मतलब आप जस्ट प्राइस लिख दोगे और WooCommerce अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, राइट। देन ये पूछ रहा है कि जो टैक्स है वो किस चीज के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, शिपिंग एड्रेस जो डालेगा यूजर उसके बेस पे कैलकुलेट होगा, या बिलिंग एड्रेस पे, या शॉप बेस एड्रेस, राइट, किस चीज पे कैलकुलेट होगा, तो ये शिपिंग एड्रेस हम रहने देते हैं। देन ये पूछ रहा है शिपिंग टैक्स क्लास कि जो शिप आप करोगे वो कैसे टैक्स लगाओगे, तो बेस्ड ऑन कार्ट आइटम, तो जो जो प्रोडक्ट उसने कार्ट में ऐड किए हैं उसके बेस पे लगाओगे, या स्टैंडर्ड रेट, जैसे आप एक स्टैंडर्ड टैक्स रेट लगा दोगे 10% 20% जो भी टैक्स है आप वो लगाओगे, या रिड्यूस रेट, या कोई रिड्यूस रेट आपको लगाना है कम करके लगाना है, या जीरो रेट आपको जीरो टैक्स लगाना है, तो हम ले लेंगे स्टैंडर्ड रेट। अभी इंडिया में जो है जीएसटी है ना वो 18% जीएसटी है, सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच में है ना 9% करके जो लगता है, आप अपने एक बार टैक्स कंसल्टेंट से राय ले सकते हो कि एग्जैक्ट कैसे रेट उन्हें लगाना है, राइट। हम यहाँ पे जीएसटी सिंपल 18% लेके चलते हैं।
तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। देन ये पूछ रहा है कि प्राइजेस को कैसे दिखाना है, टैक्स के बिना दिखाना है या इंक्लूडिंग टैक्स दिखाना है। तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टैक्स ले लेता हूँ, और डिस्प्ले प्राइजेस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट, तो कार्ट और चेकआउट के दौरान कैसा प्राइस दिखाना है, बिना टैक्स के या विद टैक्स। तो वो बेस्ट रहता है कि आप टैक्स के साथ दिखाओ, वही बेस्ट रहेगा, राइट। और इसको आप कर दो यहाँ से सेव चेंजेस। मैंने पूछा है डिस्प्ले टैक्स कैसे दिखाना है, आइटम वाइज दिखाना है या एज अ सिंगल टोटल दिखाना है, तो इसको आप कर दो सिंगल टोटल, राइट, कि जो भी टोटल प्राइस है उसका एक टैक्स बन के आ जाएगा। और देन देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टैंडर्ड रेट, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका टैक्स रेट है वो टैक्स रेट यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब आप टैक्स के अंदर आप अलग अलग टैक्सेस ऐड कर सकते हो, कंट्री कोड डाल सकते हो, स्टेट कोड डाल सकते हो, टैक्स लिख सकते हो, जो भी रेट है। तो अब आपको यहाँ पे एक सिंपल सा काम करना है, WooCommerce की एक फाइल है जिसे कि हम यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे, और उस फाइल की हेल्प से अपने आप सारे टैक्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको सिंपल आके गूगल पे सर्च करना है GST WooCommerce टैक्स रेट CSV फाइल, ठीक है। आप सिंपल ये सर्च मार दो और आपको यहाँ से वो फाइल मिल जाएगी। जैसे ये सबसे ऊपर लिंक आ रहा है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा तो आप ये वहां से ले सकते हो। तो यहाँ से मैं ये फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट। ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, तो आप वहां से ये फाइल यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया इंसर्ट रो, है ना, और यहाँ पे देखो ऑप्शन है इम्पोर्ट CSV। तो मैं सिंपल क्लिक करता हूँ इम्पोर्ट CSV और इसको मैं यहाँ से लीव करता हूँ, और ये कह रहा है फाइल चूज करने के लिए। तो मैं यहाँ से फाइल चूज करता हूँ और मैं सिंपल जाता हूँ डाउनलोड के अंदर, और यहाँ से मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल, और अपलोड फाइल एंड इम्पोर्ट, ठीक है, आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आके देख लो व्यू टैक्स रेट, ठीक है जी। अब अगर आप स्टैंडर्ड रेट्स पे आओगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है, और ये जो कंपाउंड है इसको आपको अनचेक कर देना है, राइट। इसको आपको चेक नहीं रखना, इसको आपको अनचेक कर देना है, और आपको नीचे आना है और आपको सिंपल कर देना है सेव चेंजेस, राइट। अब यहाँ देखो आप अलग अलग GST रेट लिखे हुए हैं, 12%, 6%, है ना, स्टेट कोड वाइज रेट लिखे हुए हैं। तो अगर रेट चेंज करना है, अगर रेट है 18%, तो आप यहाँ पे इस रेट को चेंज करके 18 कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो ये रेट्स को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको 18 करना है तो आप इसको 18 कर दो, राइट। तो आप यहाँ से सिंपल जाके रेट्स यहाँ से चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको कर दो सेव चेंजेस। एक बार आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से राय ले लेना कि क्या टैक्स रेट्स हैं जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। और ये जो फाइल है इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, और ये हमारे टैक्स के रेट हमने सारे यहाँ पे डाल दिए, राइट। तो बहुत ही सिंपल था, इसको कैंसिल करते हैं, पहले इसको एक बार सेव कर लेते हैं, सेव हो चुका है। हाँ, सेव हो चुका है। एक सेकंड यहाँ पे हम रुकते हैं ताकि ये डिस्कार्ड ना हो जाए। I'm not sure, बार बार एक बार इसको लीव ही करके देखते हैं क्या होता है, अगर हट गया तो हमें दोबारा डालना पड़ेगा। तो एक बार वापस जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, और स्टैंडर्ड रेट्स के अंदर चले जाते हैं, ये रेट यहाँ से चेंज नहीं हुए थे, ठीक है। तो आप वहां से अगेन रेट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। ये स्टेट वाइज कोड है, एक बार आप अपने CA से जरूर कंसल्ट कर लेना, उनसे पूछ लेना कि टैक्सेस कैसे लगाने हैं, राइट। अगर ये 18% है तो आप सारे रेट्स यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आज के लेसन में हमने और कुछ मेन्यू बनाए अपने, और हमने जो भी टैक्स की सेटिंग थी वो सेटिंग की है। अब कल के लेसन से हम अपने प्रोडक्ट डालना स्टार्ट करेंगे वेबसाइट के ऊपर, देन हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसे हमारे दिखने स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस हम वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करेंगे, ठीक है। प्लस ये जो शिपिंग की सेटिंग है, हम वो शिपिंग की सेटिंग भी कर लेंगे, जो भी हम शिपिंग रेट चार्ज करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।